फ्रेंड्स, माय नेम इज कथन सलोत और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। आईएमओ का है ये बुक एमटीजी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि इन द गिवन फिगर इफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन एक्स प्लस वाई इज। तो हमको एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 90 दिया है, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो जो एंगल सी डी बी होगा वो एक्स के बराबर होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, वो सेम हो गए। और वाई तो हमको दिया ही है, और जो 90 डिग्री होगा क्योंकि देखो एंगल बी पी बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर ऐसा होगा लीनियर पेयर बनेगा तो फिर एंगल डी पी बी भी 90 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर एक ट्रायंगल है हम ट्राइंगल डी पी बी, तो उसमें एक्स प्लस वाई प्लस 90 का सम 180 होगा। एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से वो 180 होगा सम। सो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सर्कल्स चैप्टर का। सो इधर आंसर जो है वो 90 आ जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड बाद में करेंगे। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स देन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज होती है कि इसके चारों साइड सर्कल के वर्टाइसिस पे आएंगे और इनके ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 होंगे। मतलब 2x प्लस 4x 180 होगा और 2y प्लस 3y 180 होगा। तो आइए हम करके देख लेते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन कि अगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल 180 होंगे। तो 2x प्लस 4x वी कैन से दैट इट इज 180। सो इधर 6x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ऐसे ही y का देख लेते हैं, y में 2y प्लस 3y है इज इक्वल टू 180। तो इधर 5y इज इक्वल टू 180, तो हम इधर करके देख लेते हैं 5 3 15 और 6, तो y 36 के इक्वल आएगा। और इसका x रेशियो y पूछा है तो हम इधर 30:36 मतलब के हम इधर कह सकते हैं कि ये 5:6। तो हमें इधर दिखा है कि आंसर b जो है वो 5:6 दिया है, सो आंसर b विल बी द करेक्ट आंसर। सो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ पी ओ क्यू इज 98 डिग्री देन पी आर क्यू इज। सो हमको पी ओ क्यू 98 दिया है तो पी आर क्यू ये वाला फाइंड करना है। सो हमने एक थियरम पढ़ी थी कि कोई भी एंगल अगर सेंटर पे फॉर्म हो रहा है तो कोई भी वो आर्क, ये जो आर्क्स है वो आर्क्स है किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे सर्कल के कोई भी एंगल बनेगा वो इसके हाफ होगा। सो हम डायरेक्टली 98 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 49, 98 डिवाइडेड बाय 2 49 होता है। सो फोर्थ विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 49। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस वीडियोस।
और अगर आपको IMO का और पढ़ना हो तो कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का ड्रीम फुलफिल करने में मदद करिएगा। थैंक यू, बाय।